नमस्कार दोस्तों, मोइंस किचन में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्याज का पकौड़ा बनाते हैं। आज हम बनाएंगे प्याज के पत्ती की पकौड़े। वो बहुत टेस्टी, बहुत कुरकुरी और बहुत अच्छी होती है और ठंड के सीजन में हेल्दी पकौड़ा है। अब यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को अपने अनुभव को मेरे चैनल में आप शेयर करिए। अब देखिए प्याज के पकौड़े में हम क्या क्या डालेंगे वो आपको बता। ये है प्याज पत्ता, उसको हमने ऐसी छोटा छोटा धो के और बारीक बारीक ऐसे काट लिया। उसके स्टिम को भी हमने काट के छोटा छोटा कर लिया है। एक प्याज हमने बारीक बारीक काटा है, इसको लंबे लंबा लंबा काटना है ताकि ये लच्छादार रहे, ऐसे कि किसका ये निकल जाए कली। और मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालना है, हमने चार पांच मिर्च को छोटा छोटा काटा है। हरी धनिया थोड़ी सी ली है और थोड़ा सा हम जीरा लिए हैं। पकोड़े को जनरली भारी होता है थोड़ा, तो पचने के लिए हम जीरा इसमें डालते हैं। थोड़ा सा एक चम्मच धनिया पाउडर है और एक पिंच हम डालेंगे इसमें हींग। हींग भी हम टेस्ट के लिए डालेंगे और नमक डालेंगे। और ये है मेरा बेसन, बेसन को हम उसमें बेसन इसमें कम डालते हैं, पत्ती ज्यादा रहेगी तो स्वाद भी अच्छा रहता है और पचने में भी आसानी होती है, इसलिए बेसन हम इतने ही रखेंगे। अब देखिए मैं इसको डाल के बताती हूँ। हम सारे इसको डाल देंगे, डालेंगे हरी मिर्ची भी डाल दूंगी, हरी धनिया डाल देती हूँ मैं, जीरा, ये धनिया पाउडर एक चम्मच से ज्यादा नहीं, हींग हम डालेंगे एक पिंच, ज्यादा था तो एक पिंच डालेंगे, नमक डालेंगे, नमक आप टेस्ट के अनुसार डालेंगे, ज्यादा कम जितना भी बनाएंगे, और बेसन डालूंगी मैं। हम इसमें अच्छे से मिला के डो बनाएंगे इसका। पकोड़े के घोल जैसे ही इसको हमको बनाना, थोड़ा सा इससे गाढ़ा रहता है क्योंकि इसमें पत्तियां हैं तो थोड़ा सा ऐसा घोल रहेगा, गाढ़ा घोल रहेगा डो हम बनाएंगे। क्योंकि हिसाब से बेसन कम था तो हम इतना और मिला दिए, इसमें ऐड कर दिया। अब देखिए मेरा ये घोल तैयार हो गया। अब इसको हम छोटा छोटा ऐसे पकोड़ा बनाएंगे। अब हम तेल गरम करने रखते हैं, पानी रखा था पौन ग्लास हमको लगा और एक चौथाई ग्लास पानी बच गया है। नहीं घोलना है, बहुत पतला नहीं, ऐसा रहेगा हमारा घोल। मेरा तेल गरम हो गया है, तेल से धुआं उठने लगा है। अब मैं तेल को थोड़ा सा सिम में कर दूंगी, एकदम हमेशा गरम करके ही बनाना चाहिए। तेल आप जितना गरम करेंगे उतना ही अच्छा आपका बनेगा भैया। छोटा छोटा हमें डालना, मेरा ये कुरकुरा सीख गया। अब मैं इसको निकाल लूंगी, एकदम कुरकुरा हुआ है, टिश्यू पेपर निकाल के रखने से क्या होगा, तेल इसमें सोख लेगा। और नीचे टिश्यू पेपर बिछा के ही हम इसको सर्व करेंगे। देखिए दोस्तों, मेरा ये गरम गरम कुरकुरे प्याजी प्याज की भजिया बनके तैयार हो गई है। बहुत कुरकुरे, बहुत अच्छी। अब इसको आप बनाइए, खाइए। और टमाटर की चटनी, टमाटर की चटनी, इसमें चटनी को ज्यादा चिकना नहीं पीसना चाहिए, हल्की दरदरी पीसनी चाहिए चटनी, ताकि सिल के स्वाद का हमें अनुभव हो और स्वाद लगे। अब इसको आप बनाइए, खाइए प्याज का क्या प्याज की भजिया, और आप अपने अनुभव को मेरे .com में शेयर करिए और ठंड का मजा लीजिए। ठंड में ही प्याज ये सब भजिया खाने का मजा कुछ ठंड में अलग ही है। अब आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को मेरे .com में शेयर करिए। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।